संस्कार में बनाना चाहते हो मेरे पागलो, अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारी बेटी हो, तुम्हारा बच्चा तुम्हारा नाम रोशन करे, कोई तुम्हारे ऊपर टिप्पणी ना करे, कमेंट्स ना करे, तो मेरी प्रार्थना है अपनी बेटी को और अपने बेटे को रामचरितमानस जरूर पढ़वाना, ताकि बेटी किसी पराए के घर जाए तो वह उस घर के लोग माता पिता को गाली ना देवे कि कुछ नहीं सिखाया। कुछ पढ़ाना या ना पढ़ाना, संस्कार जरूर दे देना, बिना पढ़े ही संस्कार पढ़ने मात्र से काम हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि विद्या अध्ययन ना करवाना, खूब करवाना, लेकिन बिटिया को और बेटा को रामायण पढ़ाना, सुबह नहीं तो शाम। प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य है, प्रत्येक माता पिता का। पांच पांच दोहा पढ़वाओ, रामचरितमानस के गीत गुनवाओ, हनुमान चालीसा का पाठ करवाओ। जिस दिन ऐसा प्रारंभ हो जाएगा ना, उसी दिन भैया तुम्हारा बालक सभ्य हो जाएगा। बच्चे को बहुत गुस्सा आती हो, बहुत क्रोधी हो, हटी हो, कोई दिक्कत नहीं, आप रोज पांच पाठ पांच दोहा रामचरितमानस के करवाओ बच्चे से, और सोमवार के दिन शंकर जी को अभिषेक करवाना प्रारंभ कर दो। आपका बालक विद इन एक साल में क्रोध पर कंट्रोल कर लेगा, प्रत्यक्ष प्रभाव। रामायण के बहुत प्रभाव है महाराज, हमने भी देखे। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें पूरी दुनिया के उत्तर भरे पड़े हैं, संसार का ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर रामचरितमानस में ना हो। इसलिए रामचरितमानस को पढ़वाओ, अपने बच्चों को संस्कार, प्रातः काल कैसे उठना चाहिए बच्चों को सुना सिखाओ। आज कल के बच्चा तो 10 बजे उठत है, अब मम्मी डैडी भी विचित्र हैं, तो लड़का वाले विचित्र ना हो तो क्या हो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, मम्मी डैडी भी, आजकल के पापा भी बड़े खतरनाक होते हैं। हमारे जमाने में बाप बाप जैसा होता था, हमारे समय में बाप का नाम सुनते ही धरती खिसक जाती। माताजी से तो थोड़ा सपोर्ट मिलता था, पर बाप तो बाप होता है। अब आज के जमाने में बाप भी बड़ा अद्भुत हो गया है। एक जगह बाप अपने बच्चे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा था, बेटा पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा। बेटा कह रहा था, पापा पढ़ रहा हूं। बाप ने कहा, झूठ मत बोल वरना एक मुक्का मारूंगा। बाप ने एक मुक्का लिया, व्हाट्सएप पे भेज दिया। बेटा ने भी रोता हुआ स्टिकर भेज दिया, बताओ मुक्का भी घल गया, रो भी लिया और पिटा भी नहीं कोई। हमारे जमाने में एक चांटा 3 दिन तक इस एक्सरा मशीन से उलझी रहती थी। लोग पूछते थे, ये क्या है? कुछ नहीं, निशान है, किसके बाप की। और बाप को भी तभी लगता था कि हम बाप हैं जब तक 4 बच्चों के बीच में अपने बेटा को पीट ना ले, नहीं तो बाप को भी नहीं लगता था कि हम बाप हैं। हमारे जमाने में पिताजी भी जहां खेल रहे हो, जहां 20 लोग बैठे होते, दे तड़ा 10 बजे से घर नहीं आया। और 4 बच्चे देख रहे, सो बेबी नीचे सिर डाले। जब बाद में मिलते थे, बोले यार तुम्हारे पापा तो बहुत खतरनाक हैं। तो उनके भी पापा खतरनाक ही होते थे। तो हम प्रार्थना करें, ये तो विनोद की बात है, पर बात जो हम कहना चाह रहे थे, आपसे ये बात कहना चाह रहे थे, आप अपने बच्चों को प्रातः काल उठने से लेकर के रात्रि शयन तक की व्यवस्था ठीक करो। प्रातः काल 5-6 बजे के पहले तक उठा दो बच्चों, 10 बजे खुद माता पिता उठते हैं, बच्चे क्या उठे। 5-6 बजे सो करके उठवाओ, इसके बाद में 2-5 मिनट कीर्तन करवाओ प्रातः काल, फिर इसके बाद में भगवान नाम जप करवाओ, फिर पढ़ाई करवाओ, स्नान करवाओ, सूर्य भगवान को अर्घ दिलवाओ, रामचरित मानस का पाठ करवाओ, बच्चों को स्कूल जाने दो, स्कूल से आवे जय सियाराम जय श्री कृष्णा, हेलो हाय नहीं। अब आजकल आगे को लोगो जो मॉडर्न जमानो, हेलो दूर ही से ऐसे हाथ हलाओ के लौट के मत आना, जरूरत ही नहीं है, जैसे ऐसे हेलो मत आना।
सीताराम, जय श्री सीताराम, जय श्री घनश्याम, जय श्री कृष्णा, जय बागेश्वर धाम, ऐसे संबोधनों को प्रारंभ करो। आप अपने बच्चों को अगर संस्कार देंगे, हम प्रण के साथ कहते हैं, आपका घर सुधर जाएगा, आपका परिवार सुधर जाएगा, आपके समाज की संस्कृति सुधर जाएगी, हमारा भारत भी सुधर जाएगा। बोलो सीताराम।